पाली की तखतगढ़ नगर पालिका के नवनिर्वाचित अध्यक्ष ललित रंगावत तथा उपाध्यक्ष मनोज नामा ने शनिवार को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार, दूध डेयरी उत्पादन अध्यक्ष प्रताप सिंह बीटिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष गणपत सोमपुरा, बांकली मंडल अध्यक्ष नागेश देवासी, किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष प्रकाश सिंह राजपुरोहित सहित भाजपा कार्यकर्ता और पार्षद उपस्थित रहे। पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने फीता काटकर अध्यक्ष चैम्बर का उद्घाटन भी किया। इस दौरान भाजपा के जिलाध्यक्ष मनसाराम परमार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राम लक्ष्मण की जोड़ी नगर में विकास की कोई कमी नहीं रखेगी। तो वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने यह भी कहा कि नगर के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। ये दोनों बहुत ही अच्छे वोटों से जीत कर आए थे, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। आपने देखा होगा पाली जिले के अंदर 7 नगर पालिकाएं थी, सातों की सातों नगर पालिकाओं में वोट भारतीय जनता पार्टी का बना। कांग्रेस जो वादे किए थे उस वादों पर पूरी नकारात्मक रही, एक भी काम जनता का कांग्रेस ने नहीं किया जो वादे किए थे, तो पूरी तरह से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। रही बात विकास की, हमारे दोनों ऊर्जावान कार्यकर्ता है ये, और मैं तो इतना विशेष मुझे पूरा विश्वास है कि नगर पालिका तखतगढ़ का ये नक्शा चेंज कर देंगे। उन चुनाव के अंदर हमारे भाजपा की 25 में से 16 सीटें आई है, इसके लिए मैं नगरवासियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और आगे के लिए हम लोग ये आशा करते हैं, जो हमारे यहाँ पे 25 वार्ड है, 25 वार्डों में से 25 सीटें हमारे भाजपा की आए।